नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिवाली की अगली सुबह जब पूरा देश त्योहार के बाद गहरी नींद में था, सभी लोग अभी अपने घर में सो रहे थे, तभी एक शख्स तैयारी कर रहा था अपनी अनुपम और भक्ति भरी यात्रा का। जब सबकी नींद खुली तो वो बाबा केदारनाथ के चरणों में माथा टेक रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वयं पीएम मोदी थे। पीएम मोदी की दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा और वहां पूजा पाठ फिर पूरे प्रदेश के लिए बड़ी सौगात का ऐलान। देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जा करके ये काम हो पाया है। पीएम मोदी अपनी भक्ति और आस्था के लिए भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितना अपने व्यक्तित्व के लिए। पीएम मोदी जो कभी बाबा बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी मानसरोवर जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर पर तो वे अक्सर हाजिरी लगा ही देते हैं। भगवान राम के धाम अयोध्या में पीएम कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार दिवाली की अगली सुबह पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद थे। सीएम ने उत्तराखंड के विकास योजनाओं का खाका पीएम मोदी और जनता के सामने रखा। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था, जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह चार धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत शंकराचार्य से की, लेकिन क्यों? तो आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य ने पवित्र मठों की स्थापना की, चार धामों की स्थापना की, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागरण का काम किया। आदि शंकराचार्य सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। शंकराचार्य ने जिन चार धामों की स्थापना की, उनमें से एक है केदारनाथ धाम। केदारनाथ में पीएम मोदी ने कहा कि शंकर का संस्कृत में अर्थ है शम करोति सह शंकरः, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस व्याकरण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जन साधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। उन्होंने कहा, आप आदि शंकराचार्य की समाधि के उद्घाटन के साक्षी हैं। उनके भक्त यहाँ उत्साह के साथ मौजूद हैं। देश के सभी मठ और ज्योतिर्लिंग आज हमारे साथ जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ आते ही यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का दृश्य अद्भुत था। उस समाधि के आगे बैठना दिव्य अनुभूति है। सभी मठों, 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक तीर्थ क्षेत्र पर देश के गणमान्य महापुरुष पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि, मनीषी और उनके श्रद्धालु भी देश के हर कोने से केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी,
माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़कर के जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे उसके कारण हम इसको, इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम ने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, वर्षों पहले जो नुकसान यहां हुआ था वो अकल्पनीय था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं दिल्ली में अपने दफ्तर से लगातार केदारनाथ में विकास कार्यों का जायजा लेता रहता था। ड्रोन फुटेज के जरिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। आज उत्तराखंड की सरकार यहां विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं, हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम, तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। दिल्ली देहरादून हाईवे ये बनने के बाद देहरादून से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है। इस सब कामों को, उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। पीएम मोदी ने यहां चारधाम सड़क परियोजना, रोपवे योजना और उत्तराखंड के पलायन पर तो बात की ही, साथ ही काशी, मथुरा और वृंदावन का भी चित्र किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और काशी अलग नहीं हो सकते। बर्फबारी के बीच भी मेरे, हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है।
पीएम मोदी जब दिल्ली से केदारनाथ के लिए निकले तो कई प्रोटोकॉल और तामझाम को खुद से दूर रखा। उनका मानना था कि बाबा केदारनाथ के धाम में वो पीएम बनकर नहीं बल्कि भक्त बनकर जा रहे हैं। पीएम के लिए आज ना कोई रूट प्रोटोकॉल था, ना ही तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल, जो लोगों के दिलों को छू गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।